वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब से मुतासरा ज़िला टांग और डेरा इस्माइल खान जाने का प्रोग्राम कैंसिल। दौरा मौसम की खराबी के बायस मुलतवी किया गया। शहबाज शरीफ ने जारी इमदादी कामों का जायजा लेना था। बलोचिस्तान में सैलाब, हर तरफ तबाही के मनाजिर। जांबहक अफराद की तादाद 127 हो गई। सैकड़ों मकानात जमीन बोस। 565 किलोमीटर शाहराओं को नुकसान। 11 पुल सैलाबी रेलों की नजर। मुतासर इलाकों में पाक आर्मी और फजाइया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। राजनपुर में तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। 75 से जायद मुवाजियात मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलें खराब। मुतासरीन के लिए पाक फौज का फ्री मेडिकल कैंप फाल। तोंसा में सैलाब से मुतासर इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के सैलाब मुतासरीन के लिए मदद का ऐलान। जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए इमदादी सामान दिया जाएगा। परवेज इलाही का मुतासर इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर और मरम्मत का हुक्म। वजीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी, जहलुम, शेखुपुरा, सियालकोट, डस्का और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। 24 घंटे के दौरान मजीद तेज बारिशों की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी। गरीब आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोल 10 और डीजल 17 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन 7 रुपए फी लीटर करने की मंजूरी। इतलाक कल से होगा। इंपोर्टेड हुकूमत के होते हुए कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकती। महंगाई कम करने नहीं बल्कि एनआरओ लेने आए हैं। फौरी शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मौशी हालात इंतहाई खराब होंगे। हलीम आदिल शेख। चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब ने भी मदद न की। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी नहीं मिला। अमरीकी इमदाद की शरायत पर चीन को शदीद तहफ़ुज़ात। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के ज़खायर रह गए। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। शेख रशीद की तनकीद। लहर का जोर, मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस एक और जान ले गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 661 केसेस रिपोर्ट। 171 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। सेक्रेटरी पंजाब बार अशरफ राही को करीबी रिश्तेदार ने कत्ल कराया। मुलजिम ने असली के बजाय नकली जेवरात वापस करने पर अशरफ राही के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुलजिम बिलाल की गिरफ्तारी के लिए छापे। और कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए अरशद नदीम बर्मिंगम पहुंच गए। 5 अगस्त को जेवलिन थ्रो का क्वालिफाई राउंड जबकि 7 अगस्त को फाइनल राउंड होगा। गेम्स के लिए भरपूर तैयारियां की हैं। मेडल हासिल करने की कोशिश करूंगा। अरशद नदीम।